ये इस अंग्रेज ने करवाया, ये इस ने करवाया, सर लिख के। ओह सॉरी, ये कुआ है, इसके अंदर अभी भी पानी है, बारिश बारिश। तो ये मीना मस्जिद है जिसका दरवाजे बंद कर रखा है क्योंकि अभी कोई नमाज नहीं पढ़ने जा रहा। कपल होते तो इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। नमस्कार जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी अच्छी लगती है हम पे, अंग्रेज़ी ज़्यादा सूट नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो में स्वागत है आपका। और अभी मैं खैर ताजमहल देख के आ रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ लाल किला देखने के लिए, आगरा का लाल किला, ना कि दिल्ली का, ठीक है। तो उसकी टिकट कितनी है, कैसा है अंदर से, और वहाँ से ताजमहल कैसा दिखाई देता है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखना लास्ट तक, एंड ताजमहल वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, या फिर आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो चेक कर लेना ताजमहल वाली। ताजमहल वाली में भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने भर भर के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेशन, जैसे इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। क्योंकि आप जो है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वो तो ऑनलाइन भी देख लोगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी सही तरीके से, जो हम मतलब किसी जगह पर जाकर पता कर पाते हैं, यानी कि जिस जगह की एक्चुअल जो उसकी जानकारी है वो मैं अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड करता हूँ। इसी वजह से शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, जानकारी की वजह से। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलो, दम फूल गया, चलते हैं और लाल किला दिखाते हैं। तो मैं लाल किले में पहुंचूं, उससे पहले लाल किले की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। लाल किले की जो टाइमिंग है वो सनराइज से सनसेट दिखाता है, अगर आप गूगल पे चेक करते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल टाइमिंग है वो आपको गेट पर जाकर ही पता पड़ेगी, क्योंकि जो एक्चुअल टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक है विंटर सीजन में। क्योंकि विंटर में क्या होता है कि सूरज थोड़ा लेट निकलता है, तो इसलिए 6:30 से 6 बजे तक है। इसकी बात की जाए तो एंट्री फीस 50 रुपये है, लेकिन अगर आप ASI की वेबसाइट से करते हैं, जो मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं वो अभी देख लो, अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसमें टिकट बुकिंग करनी है। सबसे पहले आपको ASI की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आगरा फोर्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिस टाइमिंग में आप विजिट कर रहे हैं टाइमिंग सेट करनी है, उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना जो भी पर्सन जा रहा है उसका नाम डालना है, उसके बाद जो है आपकी टिकट हो जाएगी बुक। UPI से पेमेंट कर देना या फिर वॉलेट से कर देना पेमेंट, हो जाएगी टिकट बुक। इसलिए सबसे बढ़िया मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी ताजमहल आओ या लाल किला आओ या आगरा घूमने आओ तो आना विंटर सीजन में, या फिर मतलब जो बेस्ट टाइम रहता है ना वो अक्टूबर से मार्च तक रहता है, क्योंकि इस समय पर जो है मौसम सुबह सुबह ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर में जो है मतलब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं तो जैसे कि ताजमहल वाइट है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है सन रेज़ को, इस चक्कर में जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ जो है ताजमहल पर चलने के लिए जो है आपको नंगे पैर चलना होता है। ये जो हमारी वीडियो आ रही है नवंबर के महीने में आ रही है, और आगरा में जो है मेट्रो स्टार्ट होने वाली है 2 से 3 महीने में, यानी कि जनवरी या फरवरी के आसपास मेट्रो के 3 स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे, वो नेक्स्ट ईयर डालेंगे, ताकि तब पूरी जो है मेट्रो लाइन हो जाए तैयार और मेट्रो चलनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आपका निकटतम पड़ेगा किस टूरिस्ट प्लेस के लिए, ठीक है। ये है झलकारी बाई चौराहा, यहाँ से आते हुए जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे उसी रास्ते से आते हुए हमें जो है राइट हो जाना है और लेफ्ट हो जाना है, तो पहुँच जाएंगे हम लाल किले की ओर। देखो जी, आ चुके हैं हम लोग आगरा फोर्ट पर। तो इसकी जो वैसे टिकट है ASI की वो 35 रुपये है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ से स्कैन करके इसे टिकट को ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको ADA का टिकट लेना होगा, पथकर टिकट यानी टोल टैक्स आपको कटवाना होगा, 10 रुपये का पर पर्सन होगा। फॉरनर के लिए 50 रुपये है, सार्क के लिए 50 रुपये है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, पहले तो इसका टिकट करना होगा, उसके बाद इसका करना होगा, नहीं तो बहन जो भगा देंगे तो भगा यहाँ से साले। ये है लो टिकट। ये मुझे ये बताओ, ठंड में मैं कौन सी AC लूँगा? AC के 5 रुपये काटे इन लोगों ने, वसूल करके आऊँगा, टॉयलेट करके आऊँगा इसके अंदर, मतलब टॉयलेट यूज़ करूँगा उसके बाद वसूल करूँगा। और ये टोल टैक्स है भाई साहब, रोड पर तो देखा था हमने, लेकिन अब किले के लिए टोल टैक्स देना पड़ रहा है। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते आप, पिस्टल नहीं ले जानी, कैमरा नहीं ले जाना, गुमर मैं ले के क्या जाएँ,
अच्छा दारू पी के देखो, खाना खा के जाना और खिलौने बाहर खरीद लेना, स्मोकिंग करके जाना और फ्लैग एंड बैनर मत लगा के जाना और गले पे चप्पू अच्छा मतलब ये क्यों अलाउ नहीं है आई डोंट नो, ठीक है ये क्योंकि दिल्ली का लाल किला नहीं है, आगरा का लाल किला है, फूल अलाउ नहीं है, इसके अलावा ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं है और माइक एंड हेडफोन एक्सप्लोजिव और वेपन्स और दारू पी के जाना ये सब चीज़ें बुक बुक चीज़ें अलाउ नहीं है। इससे अच्छा यही है कि फ़ोन लो और टिकट लो और चल दो अंदर। तो ये है किले की मेन एंट्रेंस, यहाँ से करते हैं हम एंटर। इस किले का जो आकार है वो मतलब सीधा नहीं है, इसका जो अंदर करने का जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब आपको चढ़ के जाना होगा, मतलब चढ़ाई जैसा बनाया गया है। हो सकता है कि पहले जब युद्ध होता हो तो ऊपर से ये लोग मसाल या कुछ भी, जैसे बाहुबली मूवी में देखा है ना वो जो रोल से घुमा के फेंकते हैं, अभी दिखाता हूँ, तो इस तरीके से शायद इनके अकॉर्डिंग बनाया होगा उन्होंने। एंड बाकी अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, चेक करेंगे तभी पता चलेगा। देखो इसके अंदर कोई नहीं है, चार लड़के पीछे आ रहे हैं, बाकी चार लोग ये आगे हैं। एंड इसमें जो है ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, इसमें जो है टिकट 50 रुपये गई है। अब देखते हैं जो हम मेन चीज़ के लिए आए हैं, वो आए हैं हम कि यहाँ से ताजमहल कैसा दिखाई देता है, उस चीज़ के लिए आए हैं हम लोग, उसे देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी ये है स्टेप वेल, यानी कि है तो वैसे ये कुआँ, लेकिन क्या बोलते हैं वो राजपूतों का नाम लेते हुए इन लोगों ने इसका नाम रख दिया स्टेप वेल यानी बावड़ी। ओम फो दिख जा, ये रहा कुआ, ये कुआ है, इसके अंदर अभी भी पानी है, बारिश बारिश पड़ती है ना तो उसका पानी इकट्ठा हो जाता है। अंदर कुछ लग रही है मशीन 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 जैसी कुछ लग रही है इसके अंदर, पता नहीं क्या रखा है, ये देखो देखो कुछ है इसके अंदर, वही है, हाँ देखो कुछ है इसके अंदर, ये मशीन सी लगा रखी है ना कुछ तो है। ये इस तरीके से बनाए गए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्ट अलाइन करते हैं ये लोग, ये जो पिलर खड़े हुए हैं, सो ये जो पिलर है ना ये एक दूसरे से एकदम परफेक्ट अलाइन किए गए हैं और परफेक्टली है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सीधा ही में है। यानी कि पहले के समय में कारीगर बहुत बेहतरीन थे, सब हाथ से कार्व किया जाता था पहली चीज़ तो, और उसके बावजूद इतनी बेहतरीन कलाकारी इसमें की गई है। ये है जी, ये जी गार्डन जैसा, काला काला हरा हरा, काला काला हरा हरा, जस्ट दिखाता हूँ पहुँच, ये देखो ये सामने ताजमहल है, ये दिखता है, लेकिन अभी जो है ठंड कम हो रहा है और ताजमहल के आसपास आपको पता ही है कि पेड़ लगाए गए हैं ताकि ये ख़राब ना हो, ये वैसे ही ख़राब होता जा रहा है। और आँखों के सामने जो देख रहे हो ना, ये सामने जो दिख रहा है ये है मेहताब बाग, पीछे था रोशनदारा, ये है जहानारा। मुझे लग रहा है सारी बीवियों के नाम लिख रखे हैं, यह है जहांगीर का सिंहासन। तो यहाँ से बैठ के जो है जहांगीर क्या करता था, ताजमहल देखता था कि कैसा लग रहा है आज, मतलब धूप कैसी पड़ रही है, कोहरा कैसा पड़ रहा है, सर्दियों में धूप सेकना आता था कभी कभी, यहाँ बैठता था। ये सिंहासन है ना, ये बनवा रखा पत्थर का,
इस पर गद्दे वद्दे डाल के मस्त एकदम माशाल्लाह तरीके से मैं बैठता था। और यहाँ लिखा हुआ देखो, यह है जहाँ यह सिंहासन शाहजहाँ सलीम ने इलाहाबाद देखो किले या महलों में आना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये तो पहली चीज़ तो बहुत बड़े होते हैं, दूसरी चीज़ ये आशिकों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ताकि वो यहाँ पर आके चोंच लड़ा सकें, ठीक है, कोई तोता में ना चोंच लड़ा सके इसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी हम जैसे सिंगल लोंडों के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है इसका, कोई भी बेनिफिट नहीं है इसका, मतलब हम तो ऐसे मंडराते रहे हैं इसमें, पीछे ताजमहल है बस बार बार उसे देख लो, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लेकिन अगर यहीं पे आसिक होते यहीं पुच्ची लेते बैठ के यहीं कुछ कुछ कर रहे होते, ठीक है, लेकिन हम अकेले क्या करें, चल रहे हैं चले ही जा रहे हैं। तो ये मीना मस्जिद है जिसका दरवाज़ा बंद कर रखा है क्योंकि अभी कोई मैं नमाज़ नहीं पढ़ने जा रहा, टूरिस्ट के लिए बंद कर रखा, मतलब पहले के समय में पढ़ते थे। मतलब भाई साहब कुछ भी कहो किलो के अंदर जो ना कारीगरी बहुत अच्छी की गई है, मैं देखो मैं अकेला डोल रहा हूँ, लेकिन अगर यहीं पे ही कपल होते तो इमेजिन कर सकते हो, कुछ नहीं कह रहा मैं, इमेजिन करो खाली। देखो जी पिछले 20 मिनट से बैठा हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है, अब तुम इमेजिन कर लो ऐसे में कपल होते तो, कर लो इमेजिन ऐसे में कपल होते, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इमेजिन कर लो, ठीक है, देख लो भाई सब आसिकी के निशान छोड़ रखे हैं आसिकों ने। हाँ जी तो ये था आगरा का किला या फिर कहीं आगरा का लाल किला जिसे जहांगीर किला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा व्लॉग वीडियो जो भी कहो, इन्फॉर्मेशन वीडियो मान लो से या फिर इन्फॉर्मेशन व्लॉग मान लो, ये हमने लाल किले में शूट किया, ठीक है। और रीज़न नंबर 1 कि मैं ऐतिहासिक स्मारकों में आना पसंद नहीं करता हूँ, उसका मतलब है कि पहली चीज़ तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और अकेले घूमने का मन भी नहीं करता है, गाइड लो तो भी यार वो बोर ही करता है, इसलिए अगर साथ में तुम्हारे कोई है पार्टनर सो यू कैन इन्जॉय, बट इफ़ यू आर सिंगल लाइक मी देन यू कांट इन्जॉय, ठीक है। सो ये था रीज़न नंबर 1। एंड रीज़न नंबर 2 की बहन जो सब तो चुरा के ले गए अंग्रेज, जो बचा कुचा मतलब उसमें रास आई कुछ लगाते कुछ करते म्यूजियम वो सब तो चुरा के ले गए अंग्रेज, अब अंग्रेजी उन्हें देखने आते हैं, इससे अच्छा अंग्रेजी म्यूजियम में चले जाओ, जो मतलब राजा के मुकुट थे और जो लगा जाता सब चुरा के ले गए हैं, बचा क्या है ये खंडर मतलब छोड़ गए हैं क्योंकि इसे ले जाने की उनकी बस की नहीं थी, और गड़वा के गए दीवारों पर ये इसे अंग्रेज ने करवाया ये इसने करवाया सर लिख के करवाया, ठीक है। ये था दूसरा नंबर हमारा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मेरे को इस तरीके से टूरिस्ट प्लेसेस पर आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो है अनसीन आगरा वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आगरा का जो ऐसा पार्ट है जो कोई टूरिस्ट नहीं दिखाता वो उसमें बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। तक मुझे जो है यही नोटिसेबल इसमें जो है दिखी जो कि कांच लगा के सुरक्षित कर रखी है, बाकी तो सब है ही खंडर, ओके। और ये कितनी शिद्दत से बनाया गया है और कुछ तो था इसमें जो ले गए हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा, और अंग्रेज जब सब चुरा के ले गए तो इसमें सोना निकाल के ले गए होंगे क्योंकि जब जहांगीर ने बनवाया ऐसा तो है नहीं कि सस्ता मलवाया होगा, कुछ माल पानी लगवाया होगा उसने, ठीक है ना।